तमाम मंदिरों के कपाट खुलने के साथ भक्तों को अमरनाथ यात्रा का भी इंतजार है। जुलाई से प्रस्तावित अमरनाथ यात्रा से पहले पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी के शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आई है। कुदरती तौर पर हिमालय की पहाड़ियों में 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में हर साल सर्दियों के महीने में शिवलिंग आकार लेता है और इस साल अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का आकार बहुत बड़ा है। कश्मीर में इस साल सर्दियों में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से ही इस तरीके का आकार हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हर साल की तरह इस बार भी बाबा बर्फानी प्रकट हुए हैं, शिवलिंग बना है लेकिन आकार काफी बड़ा है। और शिवलिंग की तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब कोरोना की त्रासदी के कारण अमरनाथ यात्रा पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अप्रैल के महीने में शुरू हो जाती हैं लेकिन कोरोना की वजह से अब तक कोई हलचल नहीं है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी मंगलवार को जब अमरनाथ यात्रा के सबसे पहले पड़ाव बालटाल पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। मेरे पीछे अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव बालटाल है और बालटाल में इन दिनों इतनी चहल पहल रहती थी कि ये एक शहर सा दिखता था। कोरोना वायरस के चलते और लॉकडाउन के चलते यहाँ पर हर तरफ सन्नाटा सरपा है, कहीं कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा है। ये जो फैब्रिकेटेड ये कुछ यहाँ पर ढांचे बने हैं ये भी खाली पड़े हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग काम करने के लिए आते थे, जिनमें पानी वाला यानी घोड़े वाले जो होते हैं वो हैं, डांडी वाले होते हैं। करीब एक अंदाजे के मुताबिक हर साल अमरनाथ यात्रा के साथ 10 से 15 हज़ार परिवार जुड़े रहते थे जिनकी रोजी रोटी का मुख्य जरिया जो है अमरनाथ यात्रा ही होती थी, चाहे वो मजदूरी करते थे या फिर यहाँ पर दुकानें लगाते थे या फिर ठेले सजाते थे। लेकिन अब की बार इन सभी परिवारों में कोई भी व्यक्ति न यहाँ पर आ पा रहा है और अगर आएगा भी तो वो करेगा क्या। दरअसल हमारे साथ नज़ीर अहमद साहब हैं जो हर साल यहाँ आते थे काम के लिए, अब की बार यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करें। नज़ीर साहब आप मुझे बताइए आप कितने सालों से इस इलाके में? लगभग हो गया सर यहाँ पर 25 साल। 25 साल में इस साल क्या फ़र्क आपको दिखा? कोरोना में इसमें डिफेंड आते हैं, बोलते यहाँ पर मत जाओ, तो यहाँ पर जो मतलब हालात बहुत ख़राब है इसलिए आप मास्क रखो, परहेज करो, भीड़ मत रखो। और जो आम लोग यहाँ पैसा कमाते थे जिनकी रोजी रोटी अमरनाथ यात्रा पर थी वो उनमें से कोई यहाँ पर आया है? नहीं सर, यहाँ पर अभी ऐसा कोई नहीं है, टोटल चौपानों से बगैर कोई बकरवाल चौपान यहाँ पर आ रहे हैं और कोई नहीं, वो गुजर बकरवाल यात्रा वालों वो नहीं आया है। कितने लोग होते थे जो यहाँ पर? लाखों का हिसाब, करोड़ का हिसाब, यहाँ पर कोई हिसाब ही नहीं है। हाँ सर, अपनी 25 साल जो आपके आप कह रहे हैं 25 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, 25 साल में इस तरह का सन्नाटा आपने बालटाल में कभी देखा है? मतलब क्या है 25 साल में आपने कभी इस तरह का सन्नाटा देखा? कोई नहीं देखा सर, इस साल मैंने पहले बार देखा। आप बस जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये जो एक शख्स यहाँ पर हमें मिला बात करने के लिए, इसका कहना है कि उनको कई दिनों के बाद किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात हुई और वो हम ही थे। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, बालटाल, अमरनाथ, आज तक।